जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आए हैं MP पुलिस भर्ती से संबंधित। क्या है भाई? भाई कि पुलिस भर्ती इस साल संभव नहीं, सामान्य परिस्थिति में पूरी प्रक्रिया में लगता है 8 से 10 माह का समय। तो जो सामान्य परिस्थितियों में पुलिस भर्ती होती है उसमें 8 से 10 माह का समय लगता है और उम्मीदवार कर रहे इंतजार, 3 साल से अटकी प्रक्रिया, सिपाही के 4,269 पदों पर होना है भर्ती। कितने पदों पर होना है? 4,269 पदों पर यहाँ पर जो है भर्ती होना है। तो चलिए यहाँ पर विस्तृत में पढ़ते हैं क्या है कि पुलिस भर्ती इस साल संभव नहीं, सामान्य परिस्थितियों में पूरी प्रक्रिया में लगता है 8 से 10 माह का समय। तो यहाँ पर जो कोरोना काल है जो है बहुत ही खतरनाक जो है साबित हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए भर्ती इस साल संभव नहीं है, क्योंकि भर्ती पर सीधा जो असर है वह कोरोना काल का है। और यहाँ पर सामान्य परिस्थितियों में भर्ती प्रक्रिया में 8 से 10 माह का यहाँ पर समय लगता है पुलिस की भर्ती में। और पुलिस में भर्ती प्रक्रिया नए वित्त वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। तो नए वित्त वर्ष में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पर। और प्रदेश पुलिस में पिछले 3 साल से जो है भर्ती नहीं हुई है। तो यहाँ पर MP पुलिस की जो भर्ती है वह पिछले 3 साल से नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस में भर्ती की उम्मीद लेकर बैठे कई उम्मीदवार जो है ओवर एज भी हो चुके हैं। और इधर पुलिस में रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस में पिछले 3 साल से भर्ती नहीं हुई है। साथ ही पुलिस कर्मियों के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और पुलिस में सिपाही के 4,269 पद पर भर्ती होना है। तो यहाँ पर देखिए, 4,269 जो है सिपाही के इतने पदों पर भर्ती होना है, 4,269 पदों पर। और सिपाही की भर्ती कैसे होगी इस संबंध में पुलिस मुख्यालय 2 महीने पहले नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग को भेज चुका है और जिस पर अब तक जो है फैसला नहीं हो सका है। जानकारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण जो है प्रवेश परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। हर स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि पुलिस की भर्ती में पूरे राज्य में एक साथ लिखित परीक्षा होती है। तो जो पुलिस की परीक्षा होती है वह लिखित होती है और ऐसे में लगभग 12 लाख उम्मीदवारों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रवेश परीक्षा दिलाना यहाँ पर संभव नहीं है। तो इस प्रकार जो कोरोना में है, इस बार का कोरोना काल में 12 लाख उम्मीदवारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है प्रवेश परीक्षा दिलाना यहाँ पर संभव नहीं है। और क्या है यहाँ पर देखिए कि नए वित्तीय वर्ष में बजट स्वीकृत होने के बाद ही होगी भर्ती। पुलिस में सिपाही की भर्ती बजट स्वीकृत होने के बाद होगी। इस वित्त वर्ष में बजट स्वीकृत होना मुश्किल है। ऐसे में नए वित्त वर्ष में 4,269 पदों के लिए बजट स्वीकृत होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू होगी। तब तक उम्मीदवारों को यहां पर क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। और यहां पर देखिए, उम्मीदवारों की मांगें भी है कुछ महत्वपूर्ण। तो क्या है यहाँ पर उम्मीदवारों की मांगें? तो देखिए, यहाँ पर मांगे हैं कि भर्ती में अधिकतम आयु सीमा जो है 37 वर्ष हो, ताकि 3 साल से जो है भर्ती नहीं निकलने से जो कैंडिडेट जो है ओवर एज हो चुके हैं उन्हें भी अवसर मिले। तो इस प्रकार यह मांगे हैं। और भी हैं, क्या है कि SI के लिए 1500 और कांस्टेबल के लिए यहाँ पर क्या है 15,000 पद निकाले जाएं और भर्ती पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। इस प्रकार यह मांगे हैं। और यहाँ पर देखिए, महामारी के इस दौर में जो है परीक्षा कराना संभव नहीं है। पुलिस की भर्ती में 10 से 12 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं। देश में कोरोना महामारी जो है फैली हुई है, ऐसे में व्यवहारिक रूप से परीक्षा जो दिलाना या कराना यहां पर क्या नहीं है, संभव नहीं है। और यहां पर देखिए, शासन को भेजी सिपाही भर्ती की नियमावली। तो यहाँ पर सिपाही भर्ती की नियमावली सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी हुई है, जिसमें तय होगा कि भर्ती कैसे होगी। साथ ही यह भी तय होना है कि भर्ती PEB से होगी या अन्य एजेंसी से। इस प्रकार यहां पर जो है आपके लिए यहां पर
जो है इंतज़ार करना पड़ेगा जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं पुलिस परीक्षा की। तो यह जो न्यूज़ है यह दैनिक भास्कर में है, देखिए यहाँ पर 19/8/2020 की यह न्यूज़ है। तो इस प्रकार जो है अभी उम्मीदवारों को यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यह न्यूज़ हम आपके लिए लाए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।